नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। फैक्ट चेक के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। सोशल मीडिया के जमाने में सूचनाओं को मानो पंख लग गए हैं। कोई तस्वीर हो, वीडियो हो या फिर कोई खबर, बुलेट की रफ्तार से पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। सही खबरें, सही जानकारियां तेजी से फैलें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अफवाहें फैलने लगे तो फिर इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। लिहाजा फैक्ट चेक जरूरी है, जो हम करते हैं आपके लिए और आपको बताते हैं पूरा सच। उत्तर भारत में लगातार लुढ़कते पारे के बीच सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है। सभी स्कूल कॉलेज अगले 4 महीने तक बंद रहेंगे। दरअसल सोशल मीडिया यूजर्स एक न्यूज चैनल का स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, जिसमें यह खबर चल रही है कि ठंड के मद्देनजर अगले 4 महीनों तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है, हमने इसकी पूरी पड़ताल की, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर भारत में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। शीतलहर के चलते लोग घरों में दुबके हुए हैं, इसीलिए कई राज्यों में कुछ दिनों के लिए स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया है। इन सब के बीच में सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट वायरल है, जिसमें लिखा गया कि सभी स्कूल कॉलेज 4 महीने तक बंद रहेंगे, जिसे लोग जमकर शेयर भी कर रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट किसी न्यूज बुलेटिन का लग रहा है, जिसमें ब्रेकिंग न्यूज के फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि 4 महीने तक बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज। नीचे लिखा है कि स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद करना पड़ रहा है। स्कूल कॉलेजों के बंद होने की खबर जनता से जुड़ी है, इसलिए इस वायरल स्क्रीनशॉट की पड़ताल जरूरी थी, इसलिए हमने इसकी तहकीकात को शुरू किया। स्क्रीनशॉट की क्या है सच्चाई? क्या सच में स्कूल कॉलेज 4 महीने के लिए बंद किए गए हैं, या किसी ने सोशल मीडिया पर की है शरारत? हमने जब वायरल स्क्रीनशॉट वाली खबर की तहकीकात इंटरनेट पर शुरू की तो हमने कई रिपोर्ट्स मिली, जिसमें ये जानकारी थी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और बिहार के अलग अलग जिलों में स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। कहीं 5 तो कहीं 15 दिन के लिए स्कूलों की छुट्टियाँ की गयी है। दिल्ली में भी 1 से 15 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें 4 महीनों के लिए स्कूलों में छुट्टी किए जाने की बात लिखी हो। जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा कोई आदेश आया होता तो इसे लेकर खबरें जरूर छपी होती। किसी भी न्यूज चैनल पर हमें कोई ऐसी खबर नहीं मिली जो 4 महीने तक स्कूल कॉलेज बंद रखने की बात कर रही हो। हाँ, ये जरूर जानकारी मिली कि ठंड को देखते हुए 10 से 15 दिन तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का फरमान स्थानीय प्रशासन या शिक्षा विभाग ने जारी किया है। इस तरह हमारी पड़ताल में साबित होता है कि 4 महीने तक स्कूल कॉलेज बंद रखने की खबर गलत है। हाँ, ये जरूर है कि कड़ाके की ठंड की वजह से कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फैसला किया गया, लेकिन मौसम से थोड़ी राहत मिलते ही स्कूल और कॉलेज को खोल दिया जाएगा। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन के 2 दिन के भीतर ही ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना को लेकर खूब सियासत हुई। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार पर विपक्ष ने निशाना साधा, वार पलटवार हुआ। इस बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि तस्वीरें पिछले 2 जनवरी को पश्चिम बंगाल के मालदा के पास हुए पथराव के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की हैं। वायरल दावे का सच जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। 30 दिसंबर 2022 को पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इसके 2 दिन बाद ही यानी 2 जनवरी को ट्रेन पर पथराव की खबरें आई। न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा आने के दौरान मालदा स्टेशन के पास ट्रेन पर पथराव हुआ, जिसके कारण कोच सीट 13 का दरवाजा क्षतिग्रस्त हो गया। अब इसी घटना से जोड़कर सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसे लेकर लोग कह रहे हैं कि ये उसी वंदे भारत ट्रेन के भीतर की तस्वीरें हैं, जिस पर पश्चिम बंगाल के मालदा में 2 जनवरी को पथराव हुआ था। शेयर की जा रही तस्वीरों में एक तस्वीर में एक व्यक्ति के चेहरे पर पट्टी लगी हुई है, वहीं दूसरी तस्वीर ट्रेन के भीतर सीटों पर फैले कांच के टुकड़ों और खून के धब्बों की है। इन्हीं तस्वीरों को पश्चिम बंगाल में बीजेपी की एक इकाई ने भी अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया और ममता सरकार पर निशाना साधा। यहां कैप्शन में लिखा गया, पश्चिम बंगाल में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ। ट्रेन का उद्घाटन 30 दिसंबर को माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। क्या यह मुख्यमंत्री ममता ऑफिशियल का जय श्री राम का जवाब है? शर्म की बात है। वहीं एक यूजर ने सीटों पर बिखरे कांच के टुकड़ों वाली तस्वीर को शेयर किया है, इसमें खिड़की का शीशा भी टूटा हुआ नजर आ रहा है। इसे शेयर करते हुए यूजर ने प्रत्यक्षदर्शी के हवाले से घटना की तस्दीक की है और कैप्शन दिया है कि पश्चिम बंगाल में पथराव के कारण वंदे भारत एक्सप्रेस का सीट 13 कोच क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे मेरी बात साबित हुई कि हमें फिक्र करने की आवश्यकता है।
बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष ने भी इन तस्वीरों को साझा किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की, लेकिन बाद में ट्वीट को हटा दिया। वैसे तो वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटना नई नहीं है, इससे पहले भी ट्रेन पर पथराव की घटनाएं मीडिया की सुर्खियां बन चुकी हैं। लेकिन ये तस्वीर हाल ही में मालदा में हुए ट्रेन पर पथराव की है या कहीं और का, ये जानने के लिए हमने वायरल तस्वीरों की पड़ताल करने की सोची। वायरल दावों की पड़ताल के लिए जब हमने हाल ही में हुई पथराव की घटना से संबंधित कीवर्ड्स के जरिए सर्च किया तो हमें दो प्रमुख हिंदी न्यूज चैनल की रिपोर्ट मिली, जिसमें बताया गया है कि मालदा में ट्रेन पर हुए पथराव की घटना में किसी यात्री को नुकसान नहीं हुआ है। कथित तौर पर एक डिब्बे का एक कांच का दरवाजा टूट गया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक घटना मालदा जिले में समसी के पास हुई थी। अब हमने वायरल तस्वीरों को रिवर्स इमेज सर्च किया। इस सर्च के दौरान हमें ये तस्वीर पश्चिम बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एक अधिकारी के फेसबुक पोस्ट में मिली, लेकिन ये फेसबुक पोस्ट 1 जनवरी 2023 को शेयर की गई है, मतलब मालदा में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की घटना से एक दिन पहले। और फेसबुक यूजर ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए जिस घटना का जिक्र किया है वो भी वंदे भारत ट्रेन का नहीं है, बल्कि हावड़ा पुरुलिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस का है और घटना पश्चिम बंगाल में पूर्वी मेदिनीपुर जिले के पंचकुरा शहर के पास हुई थी और इसमें एक यात्री घायल भी हुआ था। फेसबुक यूजर ने उस घायल यात्री का सीट नंबर भी शेयर किया, मतलब यहाँ साफ पता चल रहा है कि वायरल हो रही तस्वीर मालदा में हुई घटना का नहीं है। अब हमने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के सीट से वायरल तस्वीरों में दिख रही सीटों का मिलान करने की सोची। इसके लिए जब हमने सर्च किया तो हमें हमारे सहयोगी चैनल आज तक बांग्ला की वेबसाइट पर एक वीडियो मिला, जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस के रंग रूप से लेकर उसकी सीट व्यवस्था तक सभी चीजों को बड़ी बारीकी से समझाया गया है। ये वीडियो देखने के बाद अब हमने वंदे भारत की प्रीमियम और एग्जीक्यूटिव क्लास की सीटों की तुलना वायरल तस्वीरों से की तो पता चला कि दोनों में कोई मेल नहीं है, मतलब वायरल तस्वीरों में जो सीटें नजर आ रही हैं वैसी सीटें वंदे भारत ट्रेन में नहीं होती हैं, मतलब वायरल तस्वीरें वंदे भारत ट्रेन की नहीं है। कुल मिलाकर वायरल दावा गलत साबित हुआ। जो तस्वीरें 2 जनवरी को पश्चिम बंगाल के मालदा में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर हुए पथराव का कहकर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है वो तस्वीर वंदे भारत ट्रेन की नहीं है, बल्कि हावड़ा पुरुलिया एक्सप्रेस की है। वहीं वंदे भारत पर 2 जनवरी की शाम को पत्थरबाजी हुई थी, लेकिन जो तस्वीर शेयर की जा रही है वो हावड़ा पुरुलिया एक्सप्रेस की है, जिस पर 1 जनवरी 2023 को पथराव हुआ था। रिधेश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। अमेरिका में आए बर्फीले तूफान के बीच एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक हिरण दिखाई दे रहा है जिस पर भीषण ठंड की वजह से बर्फ जमने का दावा किया जा रहा है। पोस्ट को यह कहते हुए शेयर किया जा रहा है कि अमेरिका में सर्दी का ऐसा सितम टूट रहा है कि इंसान के साथ जानवरों का भी बुरा हाल हो गया है। इस दावे में कितना दम है हमने इसकी पूरी पड़ताल की है। अमेरिका में भीषण बर्फीले तूफान ने भारी कहर बरपाया, इसमें कई मौतों की खबर सामने आई। भारी हिमपात, ठंडी हवाओं के चलते गिरे तापमान के चलते यहां 60 से ज्यादा जान चली गई। इसी बीच सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें एक हिरण सड़क के बीच बर्फ में फंसा नजर आ रहा है। सड़क पर उसका मुंह ऐसे दिख रहा है जैसे बर्फ से चिपका हो। इसी बीच किसी ने जैसे उसकी मदद की तो वह सरपट भाग निकला। इस पोस्ट को शेयर कर ये दावा किया जा रहा है कि यह घटना अमेरिका में भीषण शीत लहर का नतीजा है। ट्विटर के एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि अमेरिका और कनाडा के कई हिस्सों में ठंड का भीषण मौसम इंसानों के साथ ही वन्य जीवों के लिए भी बेहद कष्टदायी रहा है। उसने ये भी लिखा कि इस क्रेजी फुटेज में 2 टहलने वालों को दिखाया गया है जिन्होंने एक ऐसे हिरण को देखा जिसके मुंह, आंख और कान पूरी तरह बर्फ से जमे थे। वायरल पोस्ट गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम के पास भी पहुंचा। इस वायरल पोस्ट को लेकर जो दावा किया जा रहा था उसका सच आखिर क्या है? क्या वाकई अमेरिका में ऐसा कुछ हुआ? ये पता लगाना जरूरी लगा। वायरल वीडियो के की फ्रेम्स को रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें 23 दिसंबर 2021 की एक इंस्टाग्राम रील मिली। रील में वही वायरल क्लिप थी, लेकिन इसका शीर्षक था जमा हुआ हिरण एट -56 डिग्री, कजाकिस्तान में स्थानीय लोगों ने बचाया।
रूसी मीडिया ने भी 4 मार्च 2021 को बर्फ में ढके हिरण के इस वीडियो को ट्वीट किया था। इससे ये साफ हो गया कि ये वीडियो अमेरिका के बर्फीले तूफान का नहीं है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया के यूट्यूब चैनल का शेयर वीडियो भी मिला। मार्च 2021 में पोस्ट किए गए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कहा गया है कि कजाकिस्तान के 2 निवासियों को 25 फरवरी 2021 में सड़क पर एक रो हिरन मिला। बता दें कि रो ठंडे वातावरण के अनुकूल हिरण की प्रजाति है। एक और वही क्लिप मिली जो कजाकिस्तान के कोस्तनाई क्षेत्र की है। कई YouTube चैनलों ने भी समाचार रिपोर्टों के साथ समान जानकारी वाली क्लिप शेयर की। मेक्सिको के एक मीडिया आउटलेट ने मार्च 2021 में इस घटना की रिपोर्ट करते हुए कहा कि यह घटना कजाकिस्तान में हुई थी, जहां डेनिसोव जिले के 2 भाई घर जा रहे थे और उन्होंने सड़क किनारे हिरण को देखकर उसकी मदद करने का फैसला किया। रिपोर्ट में घटना का 4 मिनट लंबा वीडियो शामिल था। इसके अलावा हमें एक लेख भी मिला जिसमें कोस्टानाई के 2 भाइयों का इंटरव्यू लिया गया था, जिसमें से एक ने कहा कि दूसरे ड्राइवर्स ने भी एक जानवर को भटकते देखा, लेकिन ये शर्म की बात थी कि वो निकल गए, जबकि ऐसे मामलों में रुककर मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। इस रिपोर्ट में दोनों भाइयों के साथ उस हिरण की तस्वीर भी साझा की गई जिसे उन्होंने बचाया। कुल मिलाकर हमारी तफ्तीश में वीडियो की आधी अधूरी जानकारी के साथ शेयर करने का पता चला और ये पुख्ता तौर पर साफ हो गया कि वीडियो ना तो हाल का है और ना ही अमेरिका का। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।